चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द बेस पी क्यू ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म पी क्यू आर सफर्स टू सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एट द फेसेस पी क्यू एंड क्यू आर बिफोर इमर्जिंग रिवर्स्ड इन डायरेक्शन एज शोन। तो हमें ये एक राइट एंगल्ड प्रिज्म दे रखा है और ये आइसोसेलस प्रिज्म है, यानी एंगल एट पी एट एंगल एट आर शुड बी 45। और ये रे ऑफ लाइट हमें बेस के पैरेलल दे रखी है, ये पी आर फेस को हिट करेगी, हिट करने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होने के बाद जब पी क्यू को हिट करेगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। पी क्यू को हिट करने के बाद जब ये क्यू आर को हिट करती है फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और फिर ये यहाँ से बाहर निकलती है पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, देन हमें म्यू बताना है कि किस रेंज में लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बार इसकी रे डायग्राम फिर से बनाते हैं। लेट्स कंसिडर द प्रिज्म, से दिस इज द प्रिज्म पी क्यू आर, और इस प्रिज्म में ये वर्टेक्स एंगल्स जो हैं ये हमें दे रखे हैं 45 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 90। अब इस राइट एंगल्ड प्रिज्म जो है इस पे हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की एट वन फेस, और ये रे ऑफ लाइट हमने पैरेलल टू द बेस इंसिडेंट की है लाइक दिस। दिस इज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट एम, पॉइंट एम पे हम नॉर्मल बना देते हैं, से दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, और ये आ जाएगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप ध्यान से देखें ये आपके पास आएगा 45 डिग्री। क्यों होगा 45 डिग्री, ये नॉर्मल था तो इसका एंगल पी आर के साथ 90 है, ये एंगल इस 45 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये आई अपने आप आपके पास आएगा टोटल 90 माइनस 45, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे इज 45 डिग्री। अब हिट करने के बाद ये रे ऑफ लाइट पॉइंट एम से जब रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिज्म को हिट करती है एट अ सर्टन पॉइंट, से इस पॉइंट पे हिट कर गई, और जब हिट करती है तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा आर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज द रे हिटिंग एट दिस पॉइंट। और हमें दे रखा है कि इस पॉइंट पे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाएं और ये एंगल मार्क कर दें थीटा वन, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इस पॉइंट पे, इसी एंगल पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से उठ के चली जाएगी और दूसरे फेस क्यू आर को हिट करेगी, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा वन, दिस इज गिवन टू अस। हिट करने के बाद जब ये इस पॉइंट से उठेगी, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं से एन, एन से फिर ये ओ को हिट करती है, ओ पॉइंट पे लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल, से दिस इज द नॉर्मल, और से दिस इज बी द एंगल थीटा टू, तो इसी एंगल थीटा टू पे ये वापस चली जाती है और जाके हिट करती है द अदर फेस, और ये एंगल भी आपके पास आ जाएगा थीटा टू, क्योंकि इस पॉइंट पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। हिट करने के बाद इस पॉइंट पे जब ये फिर से हिट करती है पी आर को, तो इस पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, से दिस नॉर्मल विल बी पैरेलल टू दिस नॉर्मल हेयर, राइट, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस हेयर आई, एंड दिस इज गिवन टू अस नाउ कि दिस रे मूव्स पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल रेदर टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस एंगल फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री, ओनली देन कैन दिस रे विल बी पैरेलल टू दिस रे, ये दोनों एंगल्स जो हैं एक तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, राइट, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं 45 डिग्री के। तो इससे हमें एक और चीज़ पता लगी, अगर हम स्नेल्स लॉ को फॉलो करें तो ये आई शुड बी इक्वल टू आर, इट इज़ बिकॉज स्नेल्स लॉ में कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो एम पॉइंट पे अगर हम ये लॉ लगाएंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है, एंगल आर जो रिफ्रैक्शन है उसे हमने आर ही ले रखा है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म की आएगी। बट अगर हम इस पॉइंट पे, से दिस पॉइंट इज एम डैश, एम डैश पे अगर हम इस पॉइंट को लगाएंगे तो आई की जगह पे आपके पास आएगा दिस आई, और आर की जगह पे आपके पास आएगा 45, और एन की जगह पे आपके पास आएगा 1/n, क्योंकि आप अब प्रिज्म से बाहर जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म अगर आप लेंगे तो वो 1/n आएगी।
तो अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों सिचुएशंस को, क्लियरली आई आपके पास आर के इक्वल आ जाएगा. सो दिस इज फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन कैलकुलेट आई इज इक्वल टू आर. और एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है वो क्या है, हाउ इज आर रिलेटेड टू थीटा वन एंड थीटा टू, ये हमें रिलेट करना पड़ेगा. तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इंसिडेंट रे थी एम पॉइंट पे, आप इसे एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंडेड, लेट इट मीट दिस नॉर्मल हेयर, से दिस एंगल हेयर इज 90 नाउ, दिस एंगल इज थीटा वन. तो क्लियरली ये एंगल जो है इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90 इज 90 माइनस थीटा वन, सो दैट मीन्स 90 माइनस थीटा वन. और ये 90 माइनस थीटा वन प्लस आर अगर आप करें तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 45 के बराबर है, सो दैट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा वन प्लस आर इज इक्वल टू आई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड आई इज गिवन टू अस एज 45 डिग्री. तो यहाँ से अगर आप रीअरेंज करें, आपके पास 45 90 में से माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आएगा 45 एंड प्लस आर, एंड ये थीटा वन आप दूसरी तरफ ले जाएं, यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, थीटा वन इज इक्वल टू 45 प्लस आर. तो ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई है, रिलेशन बिटवीन थीटा वन एंड आर. अब अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल आपको थीटा टू दे रखा है, तो ये एंगल इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल भी आपके पास थीटा टू होगा. और क्लियरली थीटा वन प्लस थीटा टू आपके पास आ रहा है 90 डिग्री, देयर फोर यू कैन राइट डाउन थीटा टू एज 90 डिग्री माइनस थीटा वन, और आप थीटा वन की वैल्यू फिल कर दें तो आपके पास आएगा 90 डिग्री माइनस 45 माइनस आर. तो इससे आपके पास थीटा टू का भी एक रिलेशनशिप आ गया, दैट इज 45 माइनस आर, राइट. तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, सेकंड रिलेशन हमारे पास ये आ गया. बट हमें ये दे रखा है कि पॉइंट एन और पॉइंट ओ, इन दोनों पॉइंट्स पे टी आई आर हुआ है, यानी कि थीटा वन एंड थीटा टू बोथ शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. थीटा वन एंड थीटा टू बोथ आर ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. अब इन दोनों को ऐड कर दें तो थीटा वन प्लस थीटा टू, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन टू टाइम्स क्रिटिकल एंगल. अब थीटा वन प्लस थीटा टू हमें पता है 90 के बराबर है, दिस मीन्स 90 इज ग्रेटर दैन टू टाइम्स थीटा सी क्रिटिकल एंगल. यहाँ से क्रिटिकल एंगल जो है वो आपके पास आएगा लेस दैन 45 डिग्री. और अगर आप दोनों तरफ साइन इंट्रोड्यूस कर दें, साइन ऑफ थीटा सी दिस विल बी लेस दैन साइन ऑफ 45 डिग्री, एंड वी नो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लेस दैन साइन 45, साइन 45 इज 1 बाय रूट टू. तो यहाँ से इसे रीअरेंज करें, ये रूट टू लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ, म्यू इस तरफ ले जाएँ, तो आपके पास एक रिलेशनशिप तो ये आ गया कि म्यू इज ग्रेटर दैन रूट टू. One is this that we are getting. So definitely which option is correct? Mu is greater than root 2. Mu is greater than root 2. मतलब C भी correct है. C is definitely correct. अब mu cannot be less than root 2. तो D is ruled out. Now we also have more relationships here given. यही trick है इस particular question में. हमें और भी relation दे रखे हैं. चलिए हम और relations को भी analyze कर लेते हैं. और inequalities को analyze कर देते हैं. हमें ये दे रखा है कि theta 1 जो है उसकी value है 45 plus r. और थीटा वन जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है. तो इस इनइक्वालिटी को एनालाइज करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है. थीटा वन की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, ये था 45 प्लस आर, सो ऑल्सो 45 डिग्री प्लस आर, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी. तो अब इसी को फॉलो अप में लेते हैं. आप दोनों तरफ साइन वैल्यूज ले लें तो साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस आर, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर दैन साइन ऑफ थीटा सी. फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 45 को साइन आर प्लस को साइन 45 साइन आर, दिस इज ग्रेटर दैन साइन ऑफ थीटा सी. फर्दर सॉल्व करें, साइन ऑफ 45 इज 1 बाय रूट 2 इंटू को साइन ऑफ आर प्लस साइन ऑफ 45 इज 1 बाय रूट 2 इंटू साइन ऑफ आर, दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन
साइन ऑफ थीटा सी। अब हमें कुछ सब्सटीट्यूशंस करनी है। साइन ऑफ थीटा सी हमें पता है, ये हमने पहले भी सब्सटीट्यूशन किया है, ये आपको पास आएगा 1/μ। और साइन ऑफ आर कैसे निकाला जाए, स्नेल्स लॉ में हमें पता है कि साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय सॉरी साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ये आपके पास आएगा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। और आई हमने अभी कैलकुलेट किया था ऊपर कि आई जो है हमारे पास 45 डिग्री आ चुका था, तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं तो आपके पास आएगा साइन ऑफ 45 अपॉन म्यू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू साइन आर। सो साइन आर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास साइड में आ जाती है, साइन 45 इज 1/√2, यू गेट 1/√2 म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन आर दैट यू गेट। अब साइन आर भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा से भी फिल कर सकते हैं। तो साइन आर कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो साइन आर की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 - sin² r। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 1 - sin² r, अगर आप लिखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे ये आपके पास आएगा 1 - √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2μ² इस सारी वैल्यू का √। नाउ लेट्स मेक द सब्सटीट्यूशंस हियर, वी गेट 1/√2 इंटू कोसाइन आर इज √1 - 1/√2μ² +1/√2 इंटू साइन आर इज अगेन 1/√2μ, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी आपको दे रखा है 1/μ। अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास 1/√2, अब इसे अंडर रूट में ले जाएं तो ये 1/√2 स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो ये आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1/2 माइनस, और ये 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 1/4μ² इस सारी वैल्यू का अंडर रूट, आपने 1/√2 इस अंडर रूट के अंदर ले गए आप, प्लस ये आपके पास आया 1/2μ इज ग्रेटर देन 1/μ। अब इस 1/2μ को आप राइट साइड पे ले जाएं, 1/μ में से माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2 - 1/4μ², दिस इज ग्रेटर देन 1/μ - 1/2μ, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/2μ, 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो हाफ बच जाएगा आपके पास, और ये अंडर रूट आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 - 1/4μ², दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/4μ². अब ये 1/4μ² जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा 1/4 + 1/4 आपके पास आएगा 1/2, तो दिस इम्प्लाइज हाफ इज ग्रेटर देन 1/2μ², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, μ² को ऊपर ले आएगी, तो दिस इम्प्लाइज μ² इज ग्रेटर देन 1, विच इम्प्लाइज म्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो एक और रिलेशन हमारे पास आ गया म्यू इज ग्रेटर देन 1, जो एविडेंट था फ्रॉम द फैक्ट दैट म्यू वॉज ऑल्सो ग्रेटर देन √2, राइट। अब हमारे पास एक और इनइक्वालिटी दे रखी है, एंड वॉट इज दैट, कि थीटा 2 द सेकेंड क्रिटिकल एंगल, द सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इन साइड द प्रिज्म, दिस थीटा 2, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हम इसे अब यूज करते हैं। अगर हम थीटा 2 एनालाइज करें तो थीटा 2 इज गिवन टू अस एज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड थीटा 2 की वैल्यू अगर आप पीछे देखें तो ये आपके पास आई थी 45 - r, तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, दिस इम्प्लाइज कि 45 - r इज ग्रेटर देन थीटा सी, विच इम्प्लाइज अगर आप साइन वैल्यूज ले दोनों तरफ, साइन ऑफ 45° - r दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। अब आप साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा साइन ऑफ 45 इंटू कोसाइन ऑफ आर माइनस कोसाइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ आर, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। फर्दर सॉल्व करें इसे तो ये आपके पास आता है 1/√2 कोसाइन ऑफ आर, जैसे हमने पिछली बार सब्सटीट्यूट किया था, लास्ट टाइम हमने कोसाइन ऑफ आर को सब्सटीट्यूट किया था अंडर रूट ऑफ 1 - 1/2μ², इसे यहाँ सब्सटीट्यूट करें, ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 - 1/2
टू म्यू स्क्वायर माइनस कोसाइन 45, फिर आपके पास आएगा 1 बाय रूट टू, एंड साइन आर हमने इससे पहले सब्सिट्यूट किया था 1 बाय रूट टू म्यू, ये वैल्यू आप सब्सिट्यूट कर दें साइन आर की यहाँ से, और ग्रेटर दैन साइन थीटा सी वी नो इज 1 बाय म्यू, दिस म्यू विल कम इन दी डिनोमिनेटर। अब आप इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें फर्दर, तो ये आपके पास आता है, ये 1 बाय अंडर रूट 2 अंदर चला जाएगा अंडर रूट के, अगेन द सेम प्रैक्टिस, यू विल गेट 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 म्यू स्क्वायर, ये 1 बाय 2 म्यू आएगा, और ये राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 1 बाय म्यू प्लस 1 बाय 2 म्यू, ये आपके पास आ जाएगा 3 बाय 2 म्यू। अब आप इस स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, दिस इंप्लाइज हाफ माइनस 1 बाय 4 म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 9 बाय 4 म्यू स्क्वायर, इस 1 बाय 4 म्यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ऐड हो जाएगा ये राइट हैंड साइड पे, तो 9 प्लस 1 आपके पास आएगा 10, यू विल गेट 10 बाय 4 म्यू स्क्वायर, दिस वैल्यू इज लेस देन हाफ, और ये जो 2 है इसे अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो 20 बाय 4 विल कम आउट टू बी 5 म्यू स्क्वायर, को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो म्यू स्क्वायर विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 5, और यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है रूट 5, सो दिस इज व्हाट वी एंड अप गेटिंग, म्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन रूट 5, तो तीन हमारे पास वैल्यूज आई, म्यू वॉज ग्रेटर देन 1, म्यू वॉज ग्रेटर देन रूट 2, एंड म्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन रूट 5, जिसका मतलब जो आइडेंटिटी या जो कंडीशन ये सब कुछ इन्वॉल्व कर रही है वो ये है, म्यू इज डेफिनेटली ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेट, जो इनइक्वालिटी आ रही है वो ये है कि इट इज़ ग्रेटर देन रूट 5, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज द फर्स्ट आंसर, आंसर इज ए।